मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में शुक्रवार को 1250 रुपए आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि भेजते हुए नजर आए। प्रदेश की 1.28 करोड़ लाडली बहने महाशिवरात्रि का त्योहार मना सके, इसलिए ये राशि 10 तारीख की बजाय 1 मार्च को ही दी गई। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट दौरे पर की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित कालिदास अकेडमी में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करते हुए दिखे। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1250 रुपए की राशि देती है। सरकार ने योजना 1000 रुपए राशि से शुरू की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 250 रुपए योजना में बढ़ाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाने का वादा किया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण लगने वाली आचार संहिता को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से किस्त 6 दिन पहले जारी कर दी गई थी और 10 अक्टूबर की जगह लाडली बहनों के खाते में 4 अक्टूबर को रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 5 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून महीने से लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए भेजने शुरू कर दिए थे। उन्होंने लाडली बहनों से वादा किया था कि ये रकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं।